ये जो 3 दिन का हम लोगों ने प्रॉपर्टी एक्सपो अटेंड किया है, माशाल्लाह कस्टमर्स का बड़ा प्यारा आउटपुट आया है। यहाँ पे हम बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स, अपने डीलर्स, अपने कस्टमर्स के लिए एक बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स लेकर आए हैं और अच्छे रिबेट्स लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूवे के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद गुलफराज आपके सामने हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, न्यूवे की टीम इस वक्त मौजूद है पाक चाइना फ्रेंचाइज सेंटर में, जहां पर पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया है। इस एक्सपो में कौन कौन सी कंपनीज हिस्सा ले रही है और मजीद जहाँ पर क्या हो रहा है, आइए जाकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फिजान अब्बासी, मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूँ और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोज होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे विज़िट करने आया था तो मैंने एक्सपो देखा, इसके अरेंजमेंट देखा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत पसंद आया। तो इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर होते रहने चाहिए और इस्लामाबाद के अंदर 2nd इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा है तो मैंने यहाँ पे विज़िट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं अब्दुल्ला सिटी के स्टॉल के ऊपर आया हूँ तो यहाँ के जो माशाल्लाह जितने भी इनके मार्केटर्स हैं, जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं, सब ने बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर किया। इसके अलावा बाकी सोसाइटीज़ भी माशाल्लाह, मेरी तो यही दुआ है कि सब सोसाइटीज़ कामयाब हों। मेरा नाम मोहम्मद उसामा मायून है, मेरा ताल्लुक पेशावर से है और मैं अब्दुल्ला सिटी इस्लामाबाद पेशावर का हेड हूँ। जैसे ये एग्जीबिशन हो रही है, एक्सपो हो रही है, ये देख के हमें बड़ी खुशी हुई है क्योंकि इससे एक तो ये है कि लोगों का, हमारा लोगों के साथ बहुत टच आ रहा है, लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हो रही है, बहुत से लोगों के साथ पीआर बन रहा है। इसके अलावा लोगों को भी मोटिवेट हो रहे हैं, लोग भी आके देख रहे हैं, मुख्तलि चांसेस उनको मिल रहे हैं प्रोजेक्ट के हवाले से कि उनको बेहतरीन कहाँ पर इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद के लोग आए विज़िट करें और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में देखें। स्पेशली मैं आपको दावत दूँगा अब्दुल्ला सिटी के स्टॉल पर आए, यहाँ पर हम आपके लिए इंस्टॉलमेंट्स कैश और फर्निश विलाज लाए हैं बेहतरीन पोजीशंस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल्ला सिटी की तरफ से मैं हुमा वान मार्केटिंग को बेसिकली डील कर रही हूँ। ये जो 3 दिन का हम लोगों ने प्रॉपर्टी एक्सपो अटेंड किया है, माशाल्लाह कस्टमर्स का बड़ा प्यारा आउटपुट आया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, आउट ऑफ सिटीज़ बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया जो इस्लामाबाद में परचेजिंग के लिए इंटरेस्टेड थे। तो स्पेशली खुर्शीद साहब को तो मैं थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, बड़ा अच्छा स्टांस लिया है कि एक्सपो ऑर्गेनाइज करवा के दिया है। बाकी माशाल्लाह 2 डेज़ में हम लोगों ने बहुत अच्छी यहाँ पर गैदरिंग देखी है, कस्टमर्स का फुटफॉल बहुत अच्छा था, फैमिलीज़ ने बड़ा अच्छा इंटरेस्ट शो किया है और आज जैसे कि हमारा लास्ट डे है, हमारे बस लास्ट आवर्स चल रहे हैं और शाम को इंशाल्लाह ताला जैसे आप देख सकते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा, आज एक उमरे का लकी ड्रॉ होने जा रहा है। तो देखते हैं कौन से खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनका नाम उमरा पैकेज के लिए आता है। उसके अलावा कुछ फ्री बुकिंग्स हम लोग यहाँ पर आज दे कर जाएँगे जो इस्लामाबाद के लोग हैं जिन्होंने आज हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा 2 से 3 चीज़ें आप लोगों के चैनल के थ्रू मैं ऑडियंस को अपडेट करना चाहूँगी कि माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोजेक्ट हम लोग चक्री रोड पर इस टाइम बना रहे हैं जो फुली इक्विप्ड है, वेल बैलेंस्ड है, नेचर को और लग्जरीज को दोनों को हम लोग एक साथ बैलेंस करके लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए, हर तरह के वो लोग जो इस प्रोजेक्ट से या एक सोसाइटी से जैसे बेनिफिट लेना चाहते हैं। हमने हर कैटेगरी के अलग अलग डिज़ाइन किए हुए हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है या प्लान्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कोई भी पर्सन जो हमारे पास अप्रोच करेगा खाली हाथ नहीं जाएगा। तो ये कि मैक्सिमम लोगों को इन्विटेशन है, विज़िट करें, हमारे ऑफिस आएँ। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम लोगों का साइट पर मेगा इवेंट है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह इन्विटेशन देंगे तो ज़रूर विज़िट करें, साइट को देखें, किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप हमारे पास फिर ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हर वो शख्स जो कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिज़नेस या जॉब करे उसके पास सेविंग होती है, उसके पास पैसे होते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। ये अगर सोसाइटीज़ में और मार्केट में ये जो धांधली 2 नंबरी लूट मार होती है, अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना हमारी मार्केट से, सफाई हो जाए थोड़ी सी, तो हर पर्सन खुशी से अगर एक चीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी तो वो 2 प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। आप उसको प्लान दें, आप उसको आइडिया दें, आप उसकी इनकम, उसके बजट को मेंटेन करके उसके साथ चलें
और हर शख्स चाहता है कि उसकी ज़ाती छत हो, हर शख्स चाहता है। आप समझती हैं कि ये जो अभी फ़िलहाल तो हमारी मार्केट डाउन ही है, तो इस डाउन मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करें तो वो अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, ये लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? सर, मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ इस तरह के लोगों को जो इस डाउन हालात के अंदर मुल्क की, आप देख लें जो मीशत की पोजीशन है या ऑल ओवर जिस तरह की अभी कंडीशन चल रही है बिज़नेस की, लोग अपना पैसा मार्केट से उठा रहे हैं। तो हर वो शख्स जो चाहता है कि इसी पाकिस्तान में रहते हुए वो इन्वेस्टमेंट करके उस तरह की अर्निंग्स ले, तो वो जो बाहर जाकर इन्वेस्ट करके अर्निंग्स करता है। तो मैं ये चीज़ आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज कर रही हूँ कि आप मेरे पास विज़िट करें। जी बिल्कुल, हमने देखा कि एक्सपो में यहाँ पर मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर दीगर स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर इस एक्सपो में अब्दुल्ला सिटी का स्टॉल पर भी हम आए हैं। हमारे पास साथ यहाँ पर अब्दुल्ला सिटी के जीएम मौजूद हैं आदिल मलिक साहब, इनसे भी बात करेंगे इस एक्सपो के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे नाज़रीन को यहाँ के स्टॉल्स के हवाले से और यहाँ के आज के एक्सपो के हवाले से, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके हवाले से आगाह कीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और आप मेरे पास आए, मेरे स्टॉल पे विज़िट किया आपने। बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा है इस्लामाबाद में पाक चाइना सेंटर में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो कहलाता है। और इसमें बेसिकली ये एक्सपोज करने का जो मेन एम होता है वो मेन कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को और डीलर्स और रियल्टर्स के लिए होता है कि लोग एक ही छत के नीचे आके अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सके और अच्छे प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। बेसिकली हम भी अब्दुल्ला सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं और अब्दुल्ला सिटी को लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे हम बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स, अपने डीलर्स, अपने कस्टमर्स के लिए एक बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स लेकर आए हैं और अच्छे रिबेट्स लेकर आए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टू डेज से हमारा एक्सपो कंटिन्यू हुआ है और हम माशाल्लाह उस पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ स्टैंड कर रहे हैं। और अल्लाह ने बड़ा करम किया है जिसमें हमने इस दफ़ा उमरे का टिकट भी लकी ड्रॉ में रखा हुआ है और हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी अभी शाम को आ रही हैं, जो कि लकी ड्रॉ में शामिल होंगी। और जो हजरात हमारे से स्पॉट पे आके बुकिंग करा रहे हैं उनके लिए वो लकी ड्रॉ है जिसमें उनके ये बेशुमार कीमती इनामात रखे हैं और उमरे का टिकट रखा हुआ है। बेसिकली देखिए, हमारे जो इकॉनमी की कंडीशन है और हमारे मुल्क में इस टाइम अगर आप देखें तो सबसे जो तरक्की याफ्ता एक इंडस्ट्री है वो रियल इस्टेट है। और रियल इस्टेट को प्रमोट करने का मेन मकसद ये होता है कि अगर आप इसकी ग्राउंड रियलिटी से देखें तो रियल इस्टेट से वाबस्ता एक लेबर से ले कर बिजनेसमैन तक जो लोग हैं वो रियल इस्टेट से वाबस्ते हैं और उन सब के लिए इसमें अपना एक प्रॉफिट का जंक है, जिसके हवाले से ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना और मार्केट में ओपन पब्लिक के सामने शो करने का मकसद ही ये होता है कि एक तो हमारी इकॉनमी में ग्रोथ होती जाए और बेसिकली हर आवाम को, हर इंटरेस्टेड पर्सन को उससे अपनी रिलायबल डिज़ायर अचीव करता रहे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पर मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के। उम्मीद है आज की हमारी आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इस साथ ही मोहम्मद गुलफ़ाज़ को न्यू डिलीजर्स टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।